मैं कल रुक्मणी जी और भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय विवाह उत्सव हुआ। सुखदेव जी ने वर्णन किया कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का माता रुक्मणी के अलावा भी और भी विवाह हुए थे। देखो, सबसे पहले तो ये जान लो विवाह कितने प्रकार के होते हैं। महाभारत में 8 प्रकार के विवाह बताए गए, परंतु शास्त्रों में 4 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा है गंधर्व विवाह, तीसरा है राक्षस विवाह और चौथा है पिशाच विवाह, पैसाच विधि। 4 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। ब्रह्म विवाह क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनिए, जिसमें वर और वधू दोनों पक्ष के माता पिता की सहमति हो और ब्राह्मणों के द्वारा विभिन्न प्रकार के वेद मंत्रों के उच्चारण से विधि विधान पूर्वक जो विवाह होता है उसको कहते हैं ब्रह्म विवाह। दूसरा विवाह होता है गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह क्या है, लड़का लड़की दोनों राजी हैं और जाकर के किसी मंदिर में एक दूसरे का गले में माला डाल लिए, सिंदूर भर दिए, माता पिता से कोई भी मतलब नहीं है। पहले के जमाने में ब्राह्मण विवाह ज्यादा होता था, गांधर्व विवाह की प्रचलन अब बहुत ज्यादा चल गई है। कोर्ट कचहरी में जाते हैं, दस्तखत करके विवाह हो जाता है। इस विवाह का नाम है गांधर्व विवाह। तीसरा विवाह होता है राक्षस विधि से किया गया विवाह, राक्षस विवाह। इसमें क्या होता है, राक्षस विधि में शादी किसी और से पक्की हुई है और शादी करके ले गया कोई और, इसको कहते हैं राक्षस विधि विवाह। चौथा विवाह होता है पैसाच विधि विवाह। इसमें लड़की की यदि इच्छा है भी नहीं तो जबरदस्ती कोई भी व्यक्ति आता है और उठा करके ले जाता है, जबरदस्ती विवाह कर लेता है, इसको कहते हैं पैसाच विधि विवाह। अब जिसका जिस विधि से हुआ हो वो इन 4 में से अपना देख लेगा। बोलो राधे राधे। ये 4 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण का विवाह जो हुआ था वो भी राक्षस विधि विवाह था, क्योंकि शिशुपाल दूल्हा बन के आया था और कन्हैया उठा करके मैया रुक्मणी को लेकर के और विवाह कर लिए थे। शिशुपाल बेचारा दूल्हा बन करके आया और रोने लगा कि अरे राम राम, हमने कल आपको सुनाया था ना, जब जरासंध ने समझाया था कि तू एक बार दुल्हन भाग गई तो इतना रो रहा है, मैं तो 17-17 बार हार चुका हूँ कन्हैया से और 18वीं बार फिर से लड़ने के लिए गया था, तो देखा है वो रण छोड़ के भाग गया। तब शिशुपाल को लगा, रे राम राम, यहाँ तो हमसे भी बड़े बेशरम पड़े हुए हैं। अब सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं। देखो भाई, यदि कोई भी व्यक्ति डॉक्टर के यहाँ दवाई करवाने जाता है तो यदि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब भी है, यदि प्लेटलेट्स 1 लाख से भी कम है और यदि डॉक्टर कह दे नहीं नहीं तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा प्लेटलेट्स 2 लाख है, तो आधा तो वहीं ठीक हो जाता है डॉक्टर के कहने पर, और यदि डॉक्टर ने थोड़ी भी करवा दिया
तो महाराज जो 2 महीने में मरने वाला आदमी वो 1 ही महीने में दुबला पतला होकर के और गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। ऐसे ही शिशुपाल को जब जरासंध ने कहा तो उसका भी हौसला बढ़ गया। अब आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए, तो भगवान लक्ष्मी जी को आकर के और नारायण हर करके ले गए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लक्ष्मी जी है नारायण की, और यदि लक्ष्मी जी को जबरदस्ती कोई हड़प करके बैठेगा तो एक दिन नारायण आएंगे और अपनी लक्ष्मी जी को लेकर के चले जाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी के पति का नाम है नारायण। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लक्ष्मी पति बन के बैठे हैं, लक्ष्मी पति। लक्ष्मी पति बन के कभी नहीं रहना चाहिए, लक्ष्मी का पुत्र बन के रहना चाहिए। यदि पति बन करके बैठोगे तो किसी दिन लोग कहते हैं ना महाराज का एक डकैती पड़ गई, सारा हमारे घर का जितना सब सामान था सब चोर उठा करके ले गए, इनकम टैक्स का छापा पड़ा और जितना घर में था सब चला गया। भाई लक्ष्मी जी के पति बन करके नहीं रहो।